चाहिए। इस सदन में हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं, देश के सभी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, कोई व्यक्ति नहीं देश के प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ अगर ऐसी बातों का उल्लेख किया जाता है तो काफी घोर निंदनीय है। मैं इसका बहिष्कार करता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ सीमा बानी सुनशन। देख रहे हैं अग्निपथ योजना को लेकर के विपक्ष का जो हल्ला हंगामा है वो जारी है। विधानमंडल के शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया और आरजेडी के विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करने लगी, जिसके बाद कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। इसको लेकर के बीजेपी हमलावर है। रामसूरत राय जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, बल्कि 130 करोड़ लोगों के वो प्रधानमंत्री हैं और वो सबकी इज्जत करते हैं, सबको एक नजर से देखते हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का शब्द का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके अलावा उन्होंने अतिक्रमण पर भी कई बातें कही हैं और महाराष्ट्र में जो राजनीतिक उथल पुथल है और एक तरह से कहा जा रहा है कि बीजेपी अब शिवसेना के बाकी विधायकों के साथ सरकार बनाने जा रही है, इस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब चुनाव हुआ था, रिजल्ट आया था, उस वक्त शिवसेना और बीजेपी साथ चुनाव लड़ रही थी, तो जो लोग आना चाहते हैं, साथ आना चाहते हैं, वो आ जाए, अच्छी बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के जिस तरह से विपक्ष ने हमला किया है वो उसकी सियासी मानसिकता दर्शाती है। अग्निपथ योजना को लेकर के बिहार विधानसभा में हंगामा शुरू हुआ और विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। क्या कुछ कह रहे हैं रामसूरत राय, छोड़े जाते हैं इस वीडियो। इस सदन में हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं, देश के सभी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, कोई व्यक्ति नहीं देश के प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ अगर ऐसी बातों का उल्लेख किया जाता है तो काफी घोर निंदनीय है। मैं इसका बहिष्कार करता हूँ और मैं आग्रह भी करना चाहूंगा, आप विपक्ष एक सरकार का अंग होता है, विपक्ष एक आईना होता है, उस हिसाब से उस तरीके से बात करनी चाहिए, मर्यादा के अंदर रहना चाहिए। आखिर क्यों इस तरीके से हो रहा है? अब जिसकी जैसी भावना, जैसा संस्कार, जैसा विचार, वैसा लोग करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि देश के सभी प्रधानमंत्री जी अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जात के लिए नहीं, 135 करोड़ हमारे जनता जो है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी देवी और देवता मानते हैं, उस रूप से देश के अंदर काम करते हैं। उस काम करने के संदर्भ में चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के लोग, उनका काम होता है, इसका मतलब समझ लीजिए इस युग के वो भगवान है। अच्छा, कंट्रोल कीजिए, एक सवाल आ रहा है आज अतिक्रमण का मामला, निश्चित रूप से अतिक्रमण का मामला पिछले सत्र से ही गुजरा है और उस गुजरने के कारण मैंने संकल्प लिया था कि अतिक्रमण में पूरे बिहार का खाली कराऊंगा। उसमें प्रयासरत मैं अपने तमाम विधायकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने मुझे पैरवी करके ये नहीं कहा कि इस अतिक्रमण को रोका जाए। मैंने सदन के अंदर कहा था कि आप पैरवी नहीं कीजिएगा, इसके लिए पुनः आपके चैनल के माध्यम से मैंने संकल्प लिया था कि अतिक्रमण में पूरे बिहार का खाली कराऊंगा। उसमें प्रयासरत मैं अपने तमाम विधायकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने मुझे पैरवी करके ये नहीं कहा कि इस अतिक्रमण को रोका जाए। मैंने सदन के अंदर कहा था कि आप पैरवी नहीं कीजिएगा, इसके लिए पुनः आपके चैनल के माध्यम से उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोई विधायक और कोई माननीय विधान परिषद ने नहीं रोका है। इसका सफलता मुझे प्राप्त हुआ। कल तक जो रिपोर्ट मेरे पास था 1556 विधान परिषद मैंने कहा, आज 1644 रिपोर्ट मेरे पास आ गया है और इससे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे ज्यादा अतिक्रमण खाली हुआ है, क्योंकि पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ है। अपलोड होते ही मैं आपको बताऊंगा और कल ही 5 करोड़ रुपया अतिक्रमण खाली कराने के लिए आवंटित भी हुआ है, जो बहुत जल्द सबके खाते में पैसा जा रहा है और इसके जाने के बाद और तेजी से अतिक्रमण खाली होगा। थोड़ा बरसात के कारण प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन यह अतिक्रमण का काम चलता रहे। महाराष्ट्र में आपकी सरकार जो है अब लगभग तय है कि बन गई है, ऐसे में क्या कहेंगे जिस तरह से पूरा प्रकरण ये खेल हुआ? कोई खेल नहीं होता है, कोई खेल नहीं हुआ है। निश्चित रूप से ये जनता का पुकार था, जनता की मांग थी और शिवसेना और भाजपा साथ में चुनाव लड़ी थी और जनता ने एनडीए गठबंधन को वोट दिया था, जिस कारण आज वह संतोष प्रकट करते हुए अगर कोई नई सरकार में आना चाहते हैं, स्वागत है उनके लिए, बहुत बहुत स्वागत है।